हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल आप सबका स्वागत है सो so गाइज आज हम फिर से आ गए हैं एक हेयर रिमूवल के रिव्यू लेके विच इज दिस वन दिस इज डाबर ऑक्सीलाइफ मेन हेयर रिमूवल क्रीम होप यू कैन सी दिस दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट वेरी सिंपल प्रोडक्ट विद वेरी गुड इनग्रीडियंट्स एंड आई रियली लाइक इट बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम्स के मैंने रिव्यू किया है वीट का किया है वी जॉन का किया है न्यूट का किया है ब्रह्माबूल का किया है आई थिंक आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम्स बट दिस क्रीम इज अगेन अ गुड क्रीम आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इसको यूज किया है आई वॉज सर्चिंग इन यूट्यूब बट नो बडी हैज़ मेड एनी वीडियो ऑन दिस हेयर रिमूवल क्रीम बट दिस इज अ वेरी गुड हेयर रिमूवल क्रीम तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे एप्लीकेशन कैसा है कैसा काम करता है अच्छा है या खराब है एवरीथिंग हम बात करेंगे सो प्लीज टेट्यून और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय होप यू कैन सी इट ये एक ऐसे बॉक्स में आता है ये डाबर का है डाबर ऑक्सीलाइफ मेन हेयर रिमूवल बॉडी क्रीम आपने ऑक्सीलाइफ के ब्लीचेस सुने होंगे बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट में ऑक्सीलाइफ ब्लीच फॉर मेन एंड वुमेन बट दिस पर्टिकुलर हेयर रिमूवल क्रीम इज नॉट सो फेमस बिकॉज इसके एड्स नहीं आते हैं मार्केट में टी वी पे या ऑनलाइन बट दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ अ हंडरेड ग्राम ट्यूब एंड इट कॉस्ट अराउंड वन फिफ्टी रुपीज तो वन फिफ्टी में एक हंड्रेड ग्राम का ट्यूब इज़ रियली वेरी नाइस और यू नो इफ यू कम्पेयर इड विद वीट वीट का भी हंड्रेड ग्राम विल कॉस्ट यू मोर देन दिस बट उसमें सिर्फ केमिकल्स होता है लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे इसमें सिर्फ केमिकल्स नहीं है सो इफ यू टॉक अबाउट द पैकेजिंग दिस कम्स इन दिस काइंड ऑफ अ ट्यूब अगेन वेरी गुड ट्यूब फॉमैट इन क्रीम्स रियली वर्क इससे पहले जो मैंने ब्रह्मा बुल का किया था या फिर न्यूट का किया था उसमें ना स्प्रे पंप था उससे पंप से निकलता ही नहीं था प्रोडक्ट और क्रीम तो कभी भी नहीं निकलेगा अगर आपका जो पाइप है वो बहुत ज्यादा मोटा ना हो तो बट ये वाला जो ट्यूब फॉर्मेट है हेयर रिमूवल क्रीम्स में बहुत अच्छा काम करता है सो दिस इज द क्रीम इट हैज बिन रिटर्न हेयर फास्ट एंड इफेक्टिव स्मूथ क्लीन स्किन क्विक फाइव मिनट एक्शन इट वर्क इन फाइव मिनट्स अगर हम बात करें इसके इनग्रीडियंट्स का तो इनग्रीडियंट्स लिस्ट है आपको दिख रहा होगा लिस्ट स्क्रीन पे लिस्ट में सबसे जो अच्छा बात है मुझे लगा वो है मेंथॉल एंड टी ट्री ऑयल हेयर रिमूवल क्रीम्स लोग ना बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ टू रीजन एक तो बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होता है और सेकंड इरिटेशन रेडनेस और दाने निकल जाते हैं अगर हम हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज करते हैं बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं बट अगर आप ये वाला यूज करते हो तो उसमें टी ट्री और मेंथॉल होने की वजह से जो रेडनेस है या फिर जो यू नो जो आपके दाने निकल आते हैं वो सब नहीं आएगा और पंजेंट स्मेल की अगर बात करें तो बहुत ही लिमिटेड है बहुत कम है लेकिन बहुत लिमिटेड है थोड़ा शेविंग फोम जैसा इसका स्मेल मुझे लगता है थोड़ा सा पंजेंट है बट शेविंग फोम जैसा आपको लगेगा और इसको लगाने के बाद कोई इरिटेशन रेडनेस नहीं होता है बिकॉज ऑफ द मेंथॉल एंड द टी ट्री ऑयल बिकॉज इट हेल्प्स टू हाइड्रेट योर स्किन एंड इट दीज टू प्रोडक्ट्स हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो भी आपको जलन या फिर रेडनेस होता है उसको ये कम करता है अब बात करते हैं इसको so कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसको गाइज अपने चेस्ट पे आर्म अंडर आर्म्स पे लेग्स पे हैंड्स पे लगा एपडोमिन पे लगा सकते हैं बट डोंट अप्लाई इट ऑन योर प्राइवेट एरियाज यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट अप्लाई इट सो एज इट इज़ रिटन इन दिस बॉक्स एज इट इज रिटन हेयर प्लीज डोंट अप्लाई इट इन योर प्राइवेट पार्ट्स इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाई द ब्रांड एंड ऑल्सो बाई मी डोंट अप्लाई इट इसके पा मतलब इससे ना एक और बेनिफिट है लाइक इट हैज अ ऑक्सीस्पेयर टेक्नोलॉजी दिस क्रीम इज मेड बाय दिस तो मैंने गूगल किया वॉट इज एन ऑक्सीफेयर टेक्नोलॉजी ऑक्सीस्पेयर टेक्नोलॉजी इज अ जर्मन टेक्नोलॉजी इन विज इन विच ऑक्सीजन इज इन्फ्यूज इन दैट एरिया वेर यू आर अप्लाइंग दिस क्रीम सो दैट योर हेयर्स रिमूव फास्ट एंड उसमें हाइड्रेशन बरकरार रहे ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रेशन बरकरार रहे तो आपके दाने नहीं निकलेंगे सो so, है ना ये बेटर बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्रीम एप्लीकेशन में आपको दिखा दूँ कैसा ये दिखता है देखिए ये एक ब्लू कलर का क्रीम है सी ब्लू कलर का क्रीम है इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाइएगा पतला एक लेयर से अच्छा है कि आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लगाइए उस जगह पे जहां पे आपको रिमूव करना है सपोज मैं दिखाने के लिए आपको देखिए पूरे हाथ में लगा के आपको दिखा दूंगा यह देखिए यहां पे ऐसे लगा सकते हैं मैं इसको हाथ से लगाना प्रेफर करता हूं बट इट हैज गॉट अ सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया हूं इट हैज गॉट अ स्पैचुला ऑल्सो ये रबर का स्पैचुला है विच इज़ अगेन वेरी गुड देखिए रबर का स्पैचुला है ये अगर आप वीट यूज़ करते हैं तो आपको एक स्पैचुला मिलता है जो कि प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक जब आप उसको निकालते हैं तो कटने का डर होता है बट रबर में ऐसा कुछ नहीं होता है अगेन अ गुड पॉइंट अगर आपको हाथ से नहीं लगाना है तो इसके उल्टे साइड में आप ऐसे करके लगा लीजिए जैसे आप टूथपेस्ट लगाते हैं वैसे और उस जगह पर आपको सिर्फ ऐसे करके रब कर देना है ऐसे करके रब कर देना है ये देखिए। बस अब इसको आपको पांच मिनट तक छोड़ देना है अगर आपके एरिया पे बहुत घने बाल है बहुत ज्यादा बाल हैं और बहुत घने बाल है तो आप इसको आठ मिनट तक मैक्सिमम आठ मिनट तक आप इसको रखिए उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसके मदद से इसको निकाल देना है अब गाइज आपको मैं पांच मिनट बाद दिखाता हूं कि क्या इंपैक्ट है पांच मिनट रखा है और पांच मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बहुत नरम हो गया है इसको मैं एक स्पैचुला की मदद से निकाल के दिखाता हूं आपको ऐसे रख के आपको सिर्फ ऐसे पुश कर देना है। ये देखे। ये देखिए देखिए सारा बाल आसानी से निकल आ रहा है बहुत ही स्मूथली निकल आ रहा है मुझे तो लगता है ये स्पैचुला वैसे ही दिया हुआ है अगर आप पानी से भी धो लीजिएगा ना तो भी चला जाएगा बिकॉज तो ये इतना नरम हो गया है ये देखिए ये देखिए बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाता है और बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये सो प्लीज़ डू रिमेंबर इसको आपको फिर पानी से धो लेना है पानी से अच्छे से धोने के बाद यू अप्लाई अ क्रीम ओवर इट बिकॉज ये यहाँ से थोड़ा सा ड्राई नहीं होना चाहिए बिकॉज ड्राई अगर हो जाता है तो आपको शायद थोड़ा इचिंग हो इसमें बट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और अगर मान लीजिए आपने कोई एरिया शेव किया है अगर कोई एरिया आपको निकाला आपने शेव किया है बट सही से आपका शेव नहीं आया तो आप सोच रहे हैं कि हेयर रिमूवल क्रीम लगा देते हैं तो प्लीज़ शेविंग वाले एरिया में आप कम से कम तीन दिन तक वेट करने के बाद हेयर रिमूवल क्रीम लगा के उस जगह को पूरा साफ करिएगा ये एक छोटा सा टिप है फ्रॉम माय साइड सो गाइस आई होप यू हैव है दिस प्रोडक्ट आई होप यू विल बाय दिस प्रोडक्ट अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्या इश्यूज हैं हेयर है रिमूवल क्रीम को लेके आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आइडिया हो जाएगा हेयर रिमूवल क्रीम्स के कैसा होता है क्यों यूज़ करना चाहिए एंड ऑल बिकॉज चार पांच वीडियोस मैंने हेयर रिमूवल क्रीम्स पे बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अगर आप कोई नया वीडियो चाहते हैं आपको कोई नया हेयर रिमूवल क्रीम मार्केट में दिखता है जिसका आप रिव्यू चाहते हैं डू लेट मी नो आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट प्लीज़ स्टे ट्यून इन दिस चैनल बिकॉज आगे मैं और भी हेयर रिमूवल क्रीम्स का तो एक सेगमेंट मैंने बना लिया है अब मैं आपके पास एक हेयर रिमूविंग ऑयल भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी जो आप सिर्फ लगाइए और वो परमनेंट आपके हेयर्स को रिमूव कर सकता है फिर से नए बाल नहीं आएंगे सो स्टे ट्यून टू माई चैनल आई होप यू हैव लाइक टूडेज वीडियो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाई एंड प्लीज़ गाइज अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो